हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज से हम जो जो भी चीज़ें पढ़ने वाले हैं साइंस का, आई नो इट इज़ वेरी लेट, लेकिन अब मुझे ये मिल गया है। अब हम हमेशा एनिमेशंस के साथ ही पढ़ेंगे। आपके सामने बहुत सारी फोटोज़ होंगी और उनके साथ ही पढ़ेंगे। अबे यार, ये या एंटीवायरस को भी अभी आना था, हटाओ यार इसको। चलो, तो लेट्स स्टार्ट विथ टुडे सेशन। और आज हम पढ़ने वाले सोशल हेल्थ का पार्ट 1। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और चलिए फिर शुरू करते हैं। Introduction. Nutritious food, personal hygiene, exercise, and pursuit of hobbies lead to excellent health and good personal development. तो ये आपको पता है कि भाई, न्यूट्रिशियस फूड खाने से, पर्सनल केयर करने से, एक हाइजीन रखने से, एक्सरसाइज करने से, हॉबीज से हमारी हेल्थ को और हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करने में मदद मिलती है। ये आपको पता है कि नहीं? It is necessary that we all should be alert about our health and ये hygiene. बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। Our elders also always instruct us to get out of the home, interact with relatives and other people, play outdoor games, not to spend time continuously on television, phone and internet. In this age of technology, our lifestyle has been changed to some extent. तो आपको भी पता है कि हमारी जो लाइफस्टाइल है वो बहुत बदल चुकी है ड्यू टू टेक्नोलॉजीज। आजकल हम पढ़ाई भी कंप्यूटर और लैपटॉप्स और मोबाइल्स पे कर रहे हैं, है कि नहीं? तो बहुत सारी चीजें बदल चुकी Each हैं। person is busy with his own daily routine work and favorite job only. As a consequence, health of the person gets affected. In our previous grades, we have already studied about the importance of physical health, cleanliness, and staying healthy. However, the concept of health does not end with this only. तो वही हेल्थ सिर्फ हमारी फिजिकल हेल्थ, हमारी क्लेनलीनेस और अच्छा खाना खाना, सिर्फ इसको ही हेल्थ नहीं कहते। हेल्थ का एक और पहलू होता है जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। Just as we take care of our own health, we must make efforts to ensure good health for all. गुड हेल्थ फॉर In this ऑल। chapter, we are going to study about what is actually meant by social health, factors affecting the social health, and about factors disturbing the social health in detail. So come, let us start with this chapter. तो चलिए भाई, चैप्टर को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। Social health. We all agree to this fact that the health of the entire community is as important as one's own health. अब ये हम सभी को पता है कि पूरी कम्युनिटी की हेल्थ एक अकेले की हेल्थ जितनी इंपॉर्टेंट होती है कि नहीं? Good social health can be achieved through habits of cleanliness and good health on the part of all individuals in a community. Social health is the ability of a person to establish relationship with other persons. तो देखो, सोशल हेल्थ क्या होती है? सोशल हेल्थ एक एबिलिटी होती है एक आदमी की कि दूसरे लोगों के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर पाए। सोशल मीन सोसाइटी से रिलेटेड है। तो सोसाइटी में सभी के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप हो, उसको हम कहते हैं सोशल हेल्थ। इज इट क्लियर? अच्छा, देखते हैं। कम लेट अस बिगिन विद अ डिटेल्ड स्टडी ऑफ दिस कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी। एक्टिविटी Observe the students of this class for a week. Page 101 on the observations, classify them into three groups. Highly interactive, occasionally interactive, and non-interactive. थोड़ा हट जाओ। There are total 30 students in this class. Among them, 5 students are highly interactive. 16 students are occasionally interactive. And 9 students are completely non-interactive. इसका मतलब क्या होता है देखना अभी। From this observation, we can conclude that maximum students of this class are interactive. The number of friends each of these students have is varied.
तो देखो इंटरैक्टिव का मतलब होता है कि कितने फ्रेंड्स हैं आपके, कितना आप फ्रेंड्स के साथ बातचीत करते हो। हाईली इंटरैक्टिव होने का मतलब है आप काफी ज्यादा बातचीत करते हो फ्रेंड्स के साथ। ओकेशनली इंटरैक्टिव मतलब जब क्या कहते हैं, कुछ ऐसे समय होते हैं, कुछ ऐसे पल होते हैं जब आप हमेशा फ्रेंड्स के साथ बात करते हो। और नॉन इंटरैक्टिव मतलब बिन कुछ फ्रेंड्स के साथ बात ही नहीं करनी, मतलब एकदम शांत, एकदम चुपचाप कोने में बैठे हुए ऐसे लोग, ठीक है। तो हाईली इंटरैक्टिव होना ठीक है, लेकिन उतना अच्छा नहीं है। नॉन इंटरैक्टिव होना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि आपके सोशल हेल्थ इससे पता चलती है कि बिल्कुल अच्छी नहीं है। आप लोगों के साथ क्या कहते हैं, थोड़ा इंटरैक्ट ही नहीं कर रहे हो। एंड ओकेशनली इंटरैक्टिव स्टूडेंट्स आर द बेस्ट वन। ओके चलो देखते हैं अभी। But along with these interactive students, this class also consists of students which are completely completely non-interactive. non-interactive, And these students have no no friends. friends. Okay. According to the definition of social health, maximum number of students of this class have the ability to establish relationship with other persons. तो अगर हम सोशल हेल्थ के डेफिनेशन के साथ बात करें, यहाँ पे हमें दिख रहा है 16+5 21 बच्चे जो है वो दूसरों के साथ इंटरैक्ट कर पा रहे हैं। इसका मतलब 21 बच्चों के पास वो एबिलिटी है जिससे कि एक दूसरे लोगों के साथ एक रिलेशनशिप बना पाए, एस्टैब्लिश कर पाए। सो व्हाट इज सोशल हेल्थ, आपको पता है सोशल हेल्थ इज द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप विद अदर पर्सन। तो यही तो हो रहा है यहाँ पे। Is such situation in favor of social health? जी हाँ। Ability to change one's own behavior according to changing social conditions is an important characteristic of social health. ओके तो सोशल हेल्थ का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि दूसरों के साथ अपना खुद का बिहेवियर चेंज करने की एबिलिटी, जो भी सोशल कंडीशन है उसके साथ। जैसे फॉर एग्जाम्पल भाई, एकदम सिंपल चीज है, अभी कोरोना वायरस आ गया है तो इसलिए हमने अपना बिहेवियर चेंज किया, किस तरीके से चेंज किया वो सभी को पता है। तो जिनकी अच्छी सोशल हेल्थ है उन्होंने फटाक से समझ लिया कि हमें ऐसा करना है अब और ऐसा नहीं करना है अब। तो आप सोसाइटी के साथ एक तरीके से अडेप्ट कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं। इज इट क्लियर? अच्छा। सोशल हेल्थ अमंग देम सम फैक्टर्स हेल्प टू मेंटेन गुड सोशल हेल्थ while others contribute in disturbing the social health. Page 101 पे आपको दिए हुए हैं factors like factors. strong personality, having large number of friends and relatives, proper use of time during loneliness and with peer group, trust in others, 102 पे भी है। respect and acceptance for others are important for good social health. अब देखो सोशल हेल्थ के लिए गुड चीजें कौन सी है, अच्छी चीजें कौन सी है, अच्छे फैक्टर्स कौन से हैं? तो एक स्ट्रांग पर्सनालिटी होना, अपने खुद की पर्सनालिटी होना कि हमें क्या चाहिए, हैविंग लार्ज नंबर ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, बहुत सारे फ्रेंड्स होने चाहिए, रिलेटिव्स भी होने चाहिए, प्रॉपर यूज ऑफ टाइम ड्यूरिंग लोनलीनेस, जब अकेले रहते हो तब अच्छे से टाइम का इस्तेमाल किया करो। उसी के साथ साथ प्रॉपर यूज ऑफ टाइम विथ पीयर ग्रुप, अपने आसपास जो लोग हैं उनके साथ अभी अपने टाइम को अच्छे से इस्तेमाल करो। एंड ट्रस्ट इन अदर्स, रिस्पेक्ट एंड एक्सेप्टेंस फॉर अदर्स, भाई दूसरों में एक ट्रस्ट होना चाहिए, दूसरों को एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए। दोस्तों के साथ आपको पता है कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन एट लास्ट आपको उनकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और एक्सेप्ट करना चाहिए। उन्होंने चाहे अगर कुछ क्या कहते हैं ऐसा कर दिया जो आपको नहीं पसंद, तो उसको एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए। व्हेयरएज फैक्टर्स लाइक पोल्यूशन, सुपरस्टिशंस, addiction etc disturb the social health adversely. तो भाई आपको पता है कि सोशल हेल्थ को डिस्टर्ब करने वाले फैक्टर्स कौन से हैं? ऐसे अभी सुपरस्टिशंस में फंस जाते हैं कुछ लोग, कि बाबा बाबाओं में मानने लगते हैं। मतलब जो लोग आपसे डिस्ट्रक्टिव काम करा रहे हैं भगवान के नाम पर वगैरह, या फिर एडिक्शन में पड़ जाते हैं बिकॉज ऑफ फ्रेंड्स, या फिर पॉल्यूशन। अब देखो पॉल्यूशन भी सोशल हेल्थ को इफेक्ट करेगा, क्योंकि भाई पॉल्यूशन से कुछ लोगों को काफ़ी तकलीफ हो सकती है, वो भी आपकी सोसाइटी का ही एक पार्ट है। So it will also adversely affect social health. ठीक है? Let us now proceed to do a detailed study of these factors. अब एक detailed study करेंगे, ध्यान से सुनना। Factors affecting the social health. Food, clothing, shelter, water, and medicines are some of the basic needs of men. ये आपको पता है। To maintain okay? good social yes. health. It is essential that these needs are satisfied. However, due to increasing population, satisfying these basic needs of men has also become difficult.
ये भी आपको पता एज अ है। रिजल्ट प्रॉब्लम्स लाइक माल न्यूट्रिशन शॉर्टेज ऑफ फूड एपिडेमिक्स अराइज। आपको पता है एपिडेमिक्स कैसे आते हैं भाई? एपिडेमिक्स मतलब जैसे ये कोरोना एक पैंडेमिक है, मतलब दुनिया भर में फैली हुई डिजीज, वैसे एक कंट्री में अगर डिजीज फैल जाए तो उसको हम कहते हैं एपिडेमिक। और ज्यादातर ऐसा ही देखा गया है कि जिन कंट्रीज की पॉपुलेशन आइदर बहुत ज्यादा है या फिर उस कंट्री में बहुत ही अंडर डेवलप्ड पॉपुलेशन है, वहां पे एपिडेमिक्स बहुत ज्यादा फैलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब आपको पता है कोरोना चाइना की देन है, चाइना में दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, इसलिए वहां से पैंडेमिक आ गया। इज इट क्लियर? तो ये पॉपुलेशन की वजह से भी ये इफेक्ट होता है, मैल न्यूट्रिशन होता है भाई, लोगों को खाना नहीं मिल रहा, शॉर्टेज ऑफ फूड हो सकती है। वैसे इंडिया में ये प्रॉब्लम नहीं है, इसकी उल्टी प्रॉब्लम है कि हमारे पास ओवर फूड है और सरकार के जो ये होते हैं ना, क्या कहते हैं, स्टोरेजेस, वहां पे खाना एक्चुअली में सड़ रहा है। लेकिन हाँ, कई कंट्रीज होती है, जैसे चाइना में अभी फूड शॉर्टेज चल रही है, इफ यू डोंट नो। ओके, तो इन ये दीज एडिशन आर टू प्रॉब्लम्स दिस, व्हिच अफेक्ट द सोशल इफ हेल्थ। डेंशियल एरिया Toilets and the surroundings are also not kept clean, then this will lead to further deterioration of social health. In such conditions, it is very important to protect the masses and provide them with healthy environment. Thus, we can say that if in our residential area, water, the toilets that we use can affect the social health. Education and job opportunities decide the financial status of any person. अगर किसी के पास अच्छी एजुकेशन होगी तो वो अच्छी जॉब कर पाएगा, और अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है, मतलब जॉब्स ही नहीं है, तो वो जॉब नहीं कर पाएगा। तो दोनों ही केसेस पे पैसा नहीं मिलेगा। अगर एजुकेशन ठीक से नहीं हुई तो भी जॉब नहीं लगेगी, कोई भी पैसा नहीं मिलेगा, और अगर जॉब ठीक से नहीं लगी तो भी पैसे नहीं मिलेंगे। तो फाइनेंशियल स्टेटस पे को ये क्या कहते हैं अफेक्ट करने वाली ये दो चीजें, और इसीलिए पेज नंबर 101 के फैक्टर्स में इन्हें भी मेंशन किया गया है। A well-educated person has more job opportunities. सिंपल The है। person becomes more confident. This enables the person to lead a happy personal and social life. Facilities like playgrounds and gardens provide happy space for the children to play and for सोशल the हेल्थ पे aged इसका भी people to इफेक्ट पड़ता है, देखो exercise. अच्छा इफेक्ट होता है, Such लोग मिलजुलते facilities हैं। also help to develop a positive change in the social health. Use of public transport facilities on large scale reduces traffic on roads, helps to maintain air pollution, sound pollution, and thus by this, social health can be improved. Factors like social environment of the surrounding, social treatment, social and physical conditions of the surrounding, political conditions or views, and social safety are interdependent on each other. सभी को पता है सोशल हेल्थ को ये अफेक्ट करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। जैसे कि भाई अगर बहुत ज्यादा क्रिमिनल्स फैले होंगे शहर में तो कोई किसी की सोशल हेल्थ कैसे अच्छी हो सकती है? लोग अपने घर से बाहर निकलने के लिए भी डरेंगे और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने के लिए डरेंगे, और एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं होगा तो सोशल हेल्थ कैसे अच्छी होगी? सोचो। और भी कई सारे फैक्टर्स हैं जो अभी अभी बताए, जैसे लोगों के पॉलिटिकल व्यूज जो है उनको इंडिपेंडेंस नहीं रहेगी तो लोगों की सोशल हेल्थ कैसे अच्छी रहेगी? जैसे इंडिया में हमारे पॉलिटिकल व्यूज इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, नॉट इन मैनी कंट्रीज विच यू नो, तो वहां पे भी सोशल हेल्थ पे काफी ज्यादा एडवर्स इफेक्ट पड़ता है उसका। And also have a huge impact on the social health. Come, after doing a brief study about factors affecting the social health, let us now proceed to learn about which factors disturb the social health. Factors disturbing the social health. Page 102. Various factors disturb the social health. Come, let us study about them one by one. Mental stress. मेंटल स्ट्रेस के बारे में देखो। Competition has increased in opportunities for education, employment, and business due to increase in population. Children are facing problems of loneliness and mental stress due to reasons like nuclear family and parents staying outdoors due to job.
अब देखो प्रॉब्लम्स क्या क्या है, जैसे कि अब एजुकेशन में कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है भाई, इतने सारे लोग, आपको पता है नेशनल लेवल एग्जाम्स और स्टेट लेवल एग्जाम्स में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है कि भर 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 के कंपटीशन हो गया है। उसके साथ एम्प्लॉयमेंट के लिए, जॉब्स के लिए कॉम्पिटिशन है, बिजनेस के लिए कॉम्पिटिशन है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, स्ट्रेस बहुत बढ़ जाता है, मेंटल स्ट्रेस बढ़ जाता है। उसी के साथ साथ अगर न्यूक्लियर फैमिली है, मतलब सिर्फ पेरेंट्स और बच्चे रह रहे हैं, तो भाई बच्चों को ये क्या कहते हैं, लोनलीनेस हो सकता है, मतलब उनको कोई इंटरेक्ट करने के लिए है नहीं अपने आसपास। जैसे अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो बहुत सारे कजिन्स हो सकते हैं, बाकी लोग हो सकते हैं इंटरेक्ट करने के लिए, विच इज गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ। उसी के साथ साथ अगर पेरेंट्स बाहर रहते हैं जॉब के लिए, तो उसका भी बच्चों पर एक बुरा असर पड़ता है, एज यू नो। In some families, discrimination between girls and boys is also witnessed. ये भी आपको पता है। There are many bindings on girls. On the other hand, in the same family, boys are bestowed with excessive freedom. Boys enjoy concession from household tasks, whereas girls have compulsion for the same, with the reason that girls should be used to all domestic chores. तो देखो जो बॉयज होते हैं कई फैमिलीज में, ऐसा है कि डोमेस्टिक ड्यूटीज मतलब जो घर के काम होते हैं उनसे उनको कंसेशन मिल जाता है, मतलब उनको छुट्टी मिल जाती है, और गर्ल्स को कई जगहों पर उसके लिए कंपल्शन क्या कहते हैं फेस करना पड़ता है, क्योंकि उनको लगता है कि गर्ल्स शुड बी यूज्ड टू द डोमेस्टिक ड्यूटीज, विच इज नॉट अ गुड थिंग, स्पेशली फॉर सोशल हेल्थ। Not only this, but in some families, a boy is served with fresh food while his sister has to fill her stomach by eating the leftover मतलब food. देखिए कितने बुरी Discrimination तरीके between से, brother and sister in the same family on choice of learning medium is also observed most often. Boys of the family are sent to the English medium school, whereas girls of the family are admission to Marathi medium school. In society too, adolescent girls have to unnecessarily face problems like teasing and molestation. ओके, इसको हटा Due to दे such थोड़ा। gender inequality, girls are facing the problem of stress. Nowadays, you might have seen many advertisements about increasing awareness on avoiding the discrimination between girls and boys. अब ये हमने बहुत सुना हुआ है, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, ऐसे कई सारे कैंपेन्स शुरू किए गवर्नमेंट ने On कि भाई television. लोगों के अंदर क्या कहते हैं This उसे, is one of the थोड़ा many सा efforts taken by the government to अवेयरनेस nurture फैलाया our जा सके। social health. Nowadays, everyone has to face stress due to ever-increasing disorder, crime and violence. क्राइम की वजह At the से same भी time, people looking at this as fast and easy way of making money may become scapegoats and become part of such system. तो देखो कुछ लोगों को लगता है, अरे क्या बात है भाई, ये चोरी से वॉयलेंस से कितना पट से पैसा मिल जाता है, और ऐसे लोगों की वजह से सोसाइटी में बहुत ज्यादा स्ट्रेस क्रिएट होता है, ये आपको भी पता है। This is the deadly effect of social health. Come, let us now proceed to discuss about one more factor disturbing the social health. तो मेंटल स्ट्रेस की बात हो गई, अब हम एडिक्शन की बात Addiction. करेंगे। In case of adolescents, peer group influence is much stronger. Adolescents always prefer company of friends and follow their good or bad habits instead of following advice of parents and teachers. अब ये हमें 10th स्टैंडर्ड में इसीलिए दिया है क्योंकि हम इस सब में ना पढ़े। देखिए हमारी एज में ऐसा ही होता है भाई कि हम अपने दोस्तों को अपने माँ बाप अपने टीचर से ऊपर रखते हैं, सभी लोग रखते होंगे, आई थिंक 99% लोग जो ये वीडियो देखते हैं वो मेरे से एग्री करेंगे। और इसी की वजह से क्या होता है, जो पीयर प्रेशर क्रिएट होता है, पीयर प्रेशर मतलब जो दोस्तों का प्रेशर होता है हमारे ऊपर, उस पीयर प्रेशर की वजह से कुछ लोग ये गंदी आदतों में पड़ जाते हैं। Due to either peer group pressure, symbol of high standard living, or as an imitation of elders, adolescents in their early age try upon tobacco, cigarette, gutkha, alcoholic drinks, drugs, etc. Casual consumption of these deadly substances increases day by day. तो समझ रहे हो, शुरुआत में हमें लगता है कि यार ये तो थोड़ा बहुत होगा, हो जाएगा कंट्रोल, लेकिन बाद में ये ऐसी चीजें है ना, मतलब ये आपको पकड़ के रखती है, ये एडिक्शन, इसीलिए तो कहा गया है इनको कि भाई ये ऐसी चीजें हैं जो एक बार जिंदगी में आ गई कि वापस निकालना 99% लोगों की बस की बात ही नहीं होती।
during their old age are ignored by their kids. At times, their children have moved away due to their jobs. This leaves no choice in front of the old persons but to lead a lonely life. All of this has led to day-by-day increase in old age homes. Such factors also may cause harm to the social health. अरे ये कहाँ पहुँच गए हम? ये एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये कुछ और आ गया, एक सेकंड, हाँ अब आया, देखो। Drinks, drugs, etc. Casual consumption of these deadly substances increases day by day. Due to such frequent consumptions, they get used to such substances, and this leads to addiction to deadly substances. तो देखो इसी की वजह से एडिक्शन होता है, क्योंकि ये रोज एक के बाद एक ये बढ़ता जाता है रोज। Temporarily intoxicating drugs of plant origin and some chemicals may permanently damage the human nervous system, muscle system, heart, etc. तो देखो अगर ये जो ड्रग्स वगैरह ली जाते हैं या फिर प्लांट ओरिजिन से आने वाली ये जो चीज़ें होती है, जैसे कि आपको पता है जो टोबैको होता है वो प्लांट से आता है, इनकी वजह से ह्यूमन नर्वस सिस्टम होता है, हमारा जो मसल्स का सिस्टम होता है, मस्क्यूलर सिस्टम, जो हार्ट होता है, इस पर बहुत ही परमानेंट डैमेज पड़ सकता है। ओके, वी हैव ऑलरेडी लर्नड इन आवर प्रीवियस ग्रेड्स दैट लॉन्ग टर्म कंजम्पशन ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स मे लीड टू माउथ एंड लंग कैंसर। ये आपको पता है कि नहीं? Smoke coming from tobacco products contains harmful compounds like pyridine, ammonia, carbon monoxide, nicotine and sulfur dioxide. तो देखो ये जो स्मोक होती है ना, इसके अंदर कार्बन मोनोक्साइड, अमोनिया, निकोटीन, सल्फर डाइऑक्साइड, पायरिडिन्स, ये सारे केमिकल्स होते हैं जो कि बहुत हार्मफुल है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि अगर आप अपने आप सिगरेट ना पी रहे हो ना, आपके बगल में अगर कोई सिगरेट पी रहा हो ना, तो भी आपको उससे लंग कैंसर हो सकता है, बिकॉज दीज सब्सटेंसेस एक्चुअली वो रहता है ना, उसका फर्क नहीं पड़ता, उसमें से जो धुआं निकलता है उसका फर्क पड़ता है। इज इट क्लियर? उसकी वजह से डिसीजेस होती है, आपको भी पता है। इनहेलेशन ऑफ दीज कंपाउंड्स, हेल्दी टिश्यूज ऑफ द लंग्स आर अफेक्टेड, ट्यूमर्स आर फॉर्म्ड। तो भाई जो हेल्दी टिश्यूज होते हैं उनको अफेक्ट पड़ता है, कुछ सेल्स डेड सेल्स बन जाते हैं, ट्यूमर्स हो सकते हैं, ट्यूमर मतलब कैंसर। ओके, एक्चुअली लीड टू कैंसर। सी दिस पर्सन इनिब्रिएटेड विद ड्रग्स और लिकर लॉयटरिंग इन डर्टी प्लेस। यू मस्ट हैव आल्सो रेड द न्यूज़ अबाउट मेनी डेथ्स ड्यू टू पॉइजनस लिकर इन द न्यूज़पेपर। भाई जो जहरीली शराब होती है उससे भी कई लोग मारे जाते हैं हर साल। कैन यू टेल व्हाई डज इट हैपन? Liquor is produced from alcohol obtained through the process of fermentation. देखो अल्कोहल से बनती है लिकर by the process of fermentation. ये fermentation होता है, आपको पता है, ये आपने पढ़ा हुआ है. If this process is performed in a wrong way, poisonous liquor is produced, which proves fatal for many at a time. तो देखो अगर ये जो process है ना, इसमें कुछ भी गलती हो गई तो भाई इससे है ना जान भी जा सकती है। देखो जैसे फॉर एग्जांपल अब कार्बन कंपाउंड्स में हम एक चीज पढ़ने वाले, मैं अभी से बता देता हूँ, जो मीथेन और इथेन होते हैं, सॉरी मेथेनॉल और एथेनॉल होते हैं, ये दो टाइप के अल्कोहल्स होते हैं, और इसमें से जो मेथेनॉल होता है वो पॉइजनस अल्कोहल होता है, और जो इथेनॉल होता है वो पीने वाला होता है, और कुछ लोग गलती से मेथेनॉल पी बैठते हैं जिससे मौत हो जाती है। इज इट क्लियर? तो ये भी बहुत ज्यादा डेंजरस है। Though the state of intoxication is temporary in case of alcohol addicts, the ill effects of this addiction remains for long term. Due to alcoholism, efficiency of nervous system, especially brain and liver, is hindered. तो आपका जो नर्वस सिस्टम होता है, स्पेशली ब्रेन जो होता है ना, उसका एफिशिएंसी पूरा कम हो जाता है, मतलब उसका काम करने की क्षमता कम हो जाती है, और आपका लीवर भी इससे खराब होता है। आपको पता है अल्कोहल की वजह से लीवर खराब होता है, कहीं ना कहीं तो आपने जरूर सुना होगा। डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन इज आल्सो हिंडर्ड इन एडोलेसेंस ड्यू टू अल्कोहलिज्म। अगर एडोलेसेंट स्टेज में, अगर ये जो 10th 11th की 12th की ये जो एज होती है ना टीनेज, इसके अंदर अगर अल्कोहलिज्म शुरू हो जाए तो जो ब्रेन का डेवलपमेंट चल रहा होता है उसमें काफी ज्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। And thereby their ability of memorization and learning becomes slow. समझ में आई बात? When a person becomes addicted to alcohol, the addict fails to think rationally. वो सोचना बंद कर देता है लॉजिकली and is not able to pay attention to anything else.
Due to this, the person has to face social, mental, and family problems along with physical illness. देखो, कभी भी एडिक्शन की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। जैसे अगर आप एक फॉर एग्जांपल अल्कोहल एडिक्ट बन गए, तो उससे क्या हो जाएगा, उससे आपकी सोशल हेल्थ पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। सभी लोग आपको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, बहुत बार ऐसा होता है, और एक्चुअली वे गलत बात नहीं है। Such pitiful condition of most intelligent human being is not acceptable. ह्यूमन बीइंग को सबसे इंटेलिजेंट प्राणी माना जाता है, और ऐसी 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 चीजें जो है वो हमें शर्मसार करने वाली चीजें हैं। Let us now proceed to the next topic. Now the last one is incurable diseases. Here an incidence is shown. Observe this incidence carefully. ये आपके टेक्सटबुक में भी दिया हुआ है। क्या हो रहा है ये? Here we can see that a leprosy patient is being ill-treated by a woman, due to which the patient has become sentimental. The leprosy patient. We should not have this kind है. of behavior towards any patient. In fact, in such conditions, we should be willing to listen and understand the patient. We should not be rude or disrespectful to patient. तो आपको रूड या डिसरिस्पेक्टेबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एक बीमारी है, वो उन्होंने जानबूझकर छोड़े ना, उनके साथ हुई है। We should treat the patient with lot of respect. Like the leprosy patient seen over here, people suffering from dreadful diseases like AIDS, TB and mental disorders are also mistreated. तो भाई, अगर किसी को एड्स हो जाता है, टीबी मतलब ट्यूबरक्यूलोसिस हो जाता है, और जो मेंटल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं ना, जिनको हम कहते हैं पागल खाने में भेज दो, भाई बहुत ज्यादा मिसट्रीटमेंट होता है। लेकिन भाई उसमें उन लोगों की क्या गलती है? प्रॉपर रिक्वायर्ड केयर। लाइकवाइज इवन द ओल्ड पर्संस हु रिक्वायर देयर चिल्ड्रन मोस्ट ड्यूरिंग देयर ओल्ड एज आर इग्नोर्ड बाय देयर किड्स। तो आपको भी पता है कि भाई अगर किसी को डिसीज हो जाए तो उसको इग्नोर करने की शुरुआत हो जाती है। स्पेशली अगर आपके घर में दादी दादा रहते हैं। अब मुझे नहीं पता सबके घर में क्या क्या वातावरण रहता है, लेकिन देखिए कई सारे लोग हैं जिनके घर पर जो ओल्ड लोग हैं उनको इग्नोर किया जाता है, बिकॉज दे आर डिजीज्ड, बिकॉज दे कैन नॉट टॉक वेरी नाइसली, तो इसीलिए उनको इग्नोर कर देते हैं कई जगह। But to lead a lonely life. All of this has led to day by day increase in old age homes. आज old age homes की तादाद बढ़ रही है, जो कि बहुत ही बुरी बात है। Such factors also may cause harm to the social health. Come, let us now proceed to study about how communication media and excessive use of technology can affect the social health. तो ये जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, कम्युनिकेशन मीडिया एंड एक्सेसिव यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ये हम देखेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दो, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि उनको भी अच्छा लगेगा। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलेंगे अगली बार, अंटिल देन बाय बाय।